हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली घई और इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु। बच्चों, लास्ट डे प्रिपरेशन मैं आपको बता रही हूं। अब तक आप लोगों ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, आप लोगों की तैयारी पूरी हो गई होगी, रिवीजन भी कर लिए होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। आपके कमेंट्स और उसकी रिक्वेस्ट के बेसिस पे मैं आपको आज ये वीडियो डाल रही हूं जिसमें मैं बताऊंगी लास्ट डे प्रिपरेशन कैसे करनी है सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो वीडियो है ये मैं बता रही हूं कि जब आपका कोर्स एक बार के लिए कंप्लीट हो चुका हो, अब आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है जो लास्ट डे आपको हेल्प कर सकती है। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशंस। बच्चों, इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा न्यूमेरिकल और एक आएगा आपका थ्योरी क्वेश्चन। सो न्यूमेरिकल जो आएगा वो आपका एनसीईआरटी में से होगा, जो अराउंड 3 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन जो थ्योरी में से होगा वो आ सकता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन पूछी जा सकती है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस हैं बच्चों इस बार। देन यू मे हैव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इस पे भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में एप्लीकेशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देन यू हैव वेंट ऑफ फैक्टर। इन चार टॉपिक्स को बच्चों एक बार पढ़ लीजिएगा, इन पे बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिएगा। सो सॉल्यूशन में आपको एक तो न्यूमेरिकल के लिए एनसीईआरटी करनी है और थ्योरी में इन चारों टॉपिक्स को एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमारे पास न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल या तो आपका आएगा फेराडेज लॉ पे बेस्ड, या आपका आ सकता है कोलराउश लॉ पे। अगर कंबाइंड बड़ा क्वेश्चन आता है तो फेराडे लॉ पे एक न्यूमेरिकल देके उसकी थ्योरी पूछी जा सकती है, सेम इज विद कोलराउश लॉ। और अगर न्यूमेरिकल डायरेक्टली आया तो नर्नेस्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। थ्योरी में आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का बनेगा, एक क्वेश्चन आपका थ्योरी का बनेगा। थ्योरी में एक चीज आपको पढ़नी है सेल और बैटरी की रिएक्शंस, सेल और बैटरी की रिएक्शंस जो मैंने आपको क्रैश कोर्स इन केमिस्ट्री वीडियो में भी बताई है। एक क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बेस्ड होगा, बहुत शॉर्ट में होगा ये क्वेश्चन। देन कोरोजन की रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको आपको नहीं छोड़ना है, मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन के साथ क्या चेंज है वो आपको जरूर से करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइनेटिक्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। सो केमिकल काइनेटिक्स बहुत सिंपल है, इस चैप्टर को नहीं छोड़ेंगे और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, जो कि आपका सीधे एनसीईआरटी से आएगा, और इसमें भी आपके पास न्यूमेरिकल में या तो फर्स्ट ऑर्डर का आएगा या फिर आपके आरहेनियस इक्वेशन का न्यूमेरिकल आएगा। सो ये दोनों फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देन यू हैव डेफिनेशंस ऑफ ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं इन दोनों के। देन यू मे हैव स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देन यू हैव हाफ लाइफ रिएक्शन और हाफ लाइफ पीरियड एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये छोटी सी चीज है, आपको जरूर करनी है। 6 फैक्टर्स दिए हुए एनसीईआरटी में, 3-4 आप लर्न कर लीजिएगा, तो ये बहुत सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा काइनेटिक्स। तो तीन चैप्टर्स हैं, उनमें से एक एक न्यूमेरिकल आपका आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में बच्चों सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। उसके अलावा कौन से टॉपिक को एक बार पढ़ना है वो है आपका फ्रेंडलिच, एड्सॉर्प्शन, जिसमें आपको ग्राफ और फॉर्मूला भी लर्न करना है, दूसरा फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस ऑप्शन, डेफिनेशन या डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। देन यू मे हैव क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोलॉइड्स।
कोलॉइड्स पे, क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आएगा या फिर बच्चों उसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या क्या एप्लीकेशन है, जैसे डेल्टा फॉर्मेशन है, आर्टिफिशियल रेन है, स्मोक प्रेसिपिटेटर है, ये जरूर से कीजिएगा। देन यू मे हैव प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, जिसमें लायोफिलिक लायोफोबिक कोलॉइड्स की बात की जाती है। ठीक है, सो इनको आप जरूर से कर लीजिएगा, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, चाहे डिफरेंसेस में आ जाए चाहे इनके प्रॉपर्टीज में आ जाए। देन यू मे हैव कोगुलेशन। सो एनसीईआरटी अगर आप कर लेंगे, सारे ये सारे टॉपिक्स जो हैं एनसीईआरटी में हैं, तो इससे बाहर कुछ जाने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी कवर्स ऑल दीज टॉपिक्स, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए तो ये सारे टॉपिक्स वैसे ही कवर हो जाएंगे। उसके बाद मेटलर्जी, दैट मीन्स जनरल प्रिंसिपल्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें आपको एक तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, उसके अलावा एक क्वेश्चन जो आएगा फ्रॉथ फ्लोटेशन पे, इसको जरूर से कर लीजिएगा बच्चों। लीचिंग की रिएक्शन पूछी जा सकती है, चाहे एल्यूमिनियम का पूछा जाए या गोल्ड या सिल्वर का पूछा जाए, लीचिंग की रिएक्शंस कर लीजिएगा। देन टू इम्पॉर्टेंट मेथड्स, वन इज वेपर फेज रिफाइनिंग, जिसमें हमें दो मेथड्स करने, एक तो मॉन्ट्स प्रोसेस और दूसरा वेन आर्कल मेथड, ये आएगा बच्चों, जरूर से आएगा, ध्यान रखिए। जोन रिफाइनिंग, ये दोनों मेथड्स को नहीं छोड़ेंगे, इन दोनों को जरूर कर लेना एग्जांपल्स के साथ। उसके बाद आता है हमारा पी ब्लॉक चैप्टर। सो पी ब्लॉक को आपको करना है, पहला एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, दूसरा स्ट्रक्चर्स और तीसरा केमिकल रिएक्शंस। बच्चों क्रैश कोर्स इन केमिस्ट्री में मैंने इन तीनों चीजों के बारे में बताया हुआ है, एक बार उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल भी मत छोड़िए, सीधे सीधे तीन नंबर के क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन पे, ठीक है, कि जिंक कैडमियम मर्करी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, कॉपर सिल्वर गोल्ड आर कंसिडर्ड, तो डेफिनेशन पे बेस्ड आएगा। एक क्वेश्चन जो जरूर से आएगा वो है KMnO4 और K2Cr2O7 में से किसी एक के प्रिपरेशन और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन। इसके अलावा 10 प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई थी क्रैश कोर्स इन केमिस्ट्री वीडियो में, वो 10 प्रॉपर्टीज में से 5 नंबर का सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, तो ये जरूर से कर लीजिएगा और ये जरूर से कर लीजिएगा, इन दोनों को मत छोड़ना। देन वी मे हैव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक क्वेश्चन जो बनता है नॉमनक्लेचर का, एक क्वेश्चन आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे, जिसमें हमारे पास आयनाइजेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन और हाइड्रेट है, जिसमें आयनाइजेशन और लिंकेज को अच्छे से कर लीजिएगा, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें वीबीटी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनको मत छोड़िएगा। वीबीटी पे बेस्ड क्वेश्चंस एनसीईआरटी में इंटेक्स में दिए हुए 6 क्वेश्चंस, उन 6 क्वेश्चंस को एक बार जरूर से रीड कर लीजिएगा। सो ये हमारी फर्स्ट बुक कंप्लीट होती है, इस तरह से करिए। सेकेंड बुक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने का तरीका क्या है, सुन लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आपका ऑर्गेनिक पोर्शन अच्छा है, स्ट्रांग है, तो पहले आप फर्स्ट 4 चैप्टर्स करेंगे, और अगर वो अच्छा नहीं है, आपके ऑर्गेनिक क्लियर नहीं है, तो लास्ट 3 चैप्टर्स करेंगे। दैट मीन्स बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये पहले करेंगे अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स क्लियर नहीं है। सो बायोमोलिक्यूल्स में आपको क्या क्या करना है, बायोमोलिक्यूल्स में आपको एक तो डाइसेकेराइड्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें भी आपको सुक्रोज को पढ़ना है। दूसरी चीज आपको इसमें पढ़नी है प्रोटीन्स के टाइप्स, ग्लोबुलर फिब्रस प्रोटीन, उनके डिफरेंसेस, या फिर अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर्स, अल्फा एंड बीटा प्लीएटेड शीट्स, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीएटेड शीट, जो प्रोटीन्स पे आते हैं। नेक्स्ट अमीनो एसिड्स के डिफरेंसेस, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स,
यहाँ पे एक जरूर से क्वेश्चन बनता है, ज्विटर आयन या डायपोलर आयन या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसको करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन न्यूक्लिक एसिड के फंक्शंस, न्यूक्लिक एसिड के फंक्शंस। तो ये आपको बायोमोलिक्यूल्स में करना है, ठीक है। डाइसेक्राइड्स, प्रोटीन्स के डिफरेंसेस, क्लासिफिकेशन और डिफरेंसेस, अमीनो एसिड्स के टाइप्स, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ज्विटर आयन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, न्यूक्लिक एसिड के फंक्शंस, ठीक है। एक चीज और कर लीजिएगा, डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेस जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बायोमोलिक्यूल्स। अब मैं आपको बताती हूं पॉलीमर्स। सो पॉलीमर्स में आपको जो 18 पॉलीमर्स दिए हुए हैं उनके मोनोमर्स लर्न करने हैं, उनके नाम, उनका स्ट्रक्चर और एक एक यूज लर्न करना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना इसमें। क्लासिफिकेशन में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। तो ये दो चीजें कर लीजिएगा इस चैप्टर में, एक तो मोनोमर्स और दूसरा इनके डिफरेंसेस। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में बच्चों आपको करना है एक तो मेडिसिंस, जो ड्रग्स और मेडिसिंस की कैटेगरीज बताई हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है एंटीहिस्टामिन्स क्या होते हैं, एनल्जेसिक्स क्या होते हैं, एंटीपायरेटिक्स क्या होते हैं। एंटीपायरेटिक ध्यान रखिएगा, एंटीपायरेटिक्स आर द ड्रग्स दैट आर यूज टू रिड्यूस द बॉडी फीवर, बुखार कम करने के लिए जो दवाई ली जाती है वी कॉल देम एज एंटीपायरेटिक। जैसे पैरासिटामोल हम लेते हैं जो पेन किलर भी हो जाती है और फीवर को कम करने के लिए भी, आजकल जो मिक्स सॉल्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट फोर चैप्टर। सो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में एक तो आपको ड्रग्स और मेडिसिन करने एग्जाम्पल्स के साथ, एक आपको करना है बायोथियनल, वाई बायोथियनल इज एडेड टू सोप, आंसर इज टू इम्प्रूव द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। एक आपको डेटॉल के कंस्टिट्यूएंट्स लर्न करने, क्लोरोक्साइलिनॉल एंड टर्पेनियॉल। सो ये हमारा चैप्टर हुआ। उसके बाद अब हम बात करेंगे चार ऑर्गेनिक के चैप्टर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जो चार चैप्टर्स हैं, हेलोइल्केन्स, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स वाला और अमीन्स वाला, इनमें किस तरह से करना है। सो पहली चीज इसमें एक क्वेश्चन आएगा नॉमनक्लेचर का, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जो इलेवेंथ में पढ़ा हुआ है काफी है, एक नंबर का नॉमनक्लेचर। देन आपके पास आएगा नेम रिएक्शंस, तीन से पांच नंबर की नेम रिएक्शंस आएंगी, ये आपको करनी है। देन यू हैव मैकेनिज्म, सो मैकेनिज्म आपका दो से तीन नंबर का आएगा। मैकेनिज्म आप करिए जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूं, SN1, SN2, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये चार मैकेनिज्म आप कर लीजिएगा। देन यू हैव सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको करने हैं एनसीईआरटी से। और इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली या तो बॉइलिंग पॉइंट से पूछे जाते हैं या फिर सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एंड देन लास्ट यू विल बी हैविंग कन्वर्जन्स। सो अगर आप ऑर्गेनिक में कमांड रखते हैं तो इस टॉपिक को कीजिएगा। और कन्वर्जन्स अराउंड 3 to 5 मार्क्स की पूछी जाएंगी, कन्वर्जन्स डायरेक्टली एनसीईआरटी से होगी। सो आपको कन्वर्जन्स करनी है, ठीक है। चैप्टर वाइज मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। सो सबसे पहले लिखिए अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। सो हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। सो हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन्स में आपको पढ़ना है पहली चीज, एक तो SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म और दूसरा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो आप कर सकें, ठीक है। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हेलो एल्केन्स हेलोअरीन्स SN1 SN2 और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। दूसरा चैप्टर है अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स, इसमें आपको क्या क्या करना है, हाइड्रेशन मैकेनिज्म, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन,
दूसरा मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. बच्चों इनमें से एक मैकेनिज्म आएगा, ध्यान रखिए अच्छे से कर लेना. दो दो स्टेप के मैकेनिज्म है, बहुत ज्यादा नहीं है. देन डिस्टिंग्विश टेस्ट आएगा आपका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के लिए, जिसमें आपको आंसर लिखना है ल्यूकास रिएजेंट. फिनॉल और अल्कोहल पे पूछा जा सकता है डिस्टिंग्विश टेस्ट, जिसमें आपको लिखना है FeCl3 टेस्ट. ठीक है, तो ये हो गया. और उसके अलावा हमारे पास नेम रिएक्शंस इस चैप्टर में से आ सकती हैं. ठीक है, तो जब मैंने चैप्टर पढ़ाया तब मैं आपको बता चुकी हूं. नेक्स्ट आते हैं हम अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. बच्चों चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें. एक तो नेम रिएक्शंस के क्वेश्चंस बनते हैं, एक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप जरूर कर लीजिएगा, डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से. और एक डिस्टिंग्विश टेस्ट, जो कि अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है. सो ये तीन चीजें आपको जरूर करनी है एनसीईआरटी में. स्पेशली जो केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ए रिएक्ट विद दिस एंड टू फॉर्म सी कंपाउंड, सो वो एबीसीडी वाले कंपाउंड्स भी जरूर से कर लीजिएगा. चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें चांसेस बहुत सारी वेराइटी के हैं, इसलिए नेम रिएक्शंस जितनी है वो सारी करनी है, डिस्टिंग्विश टेस्ट जो है वो करने हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीन्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन. सो यहां अमीन्स में पहली चीज आती है बेसिक नेचर, आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि यहां थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर होता है, मैंने आपको क्रैश कोर्स में बताया है बेसिक नेचर. देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप इन एनिलीन. जब एनिलीन का ब्रोमिनेशन करते हैं तो हमारे पास 2,4,6 ट्राइब्रोमो मिलता है, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप. एक क्वेश्चन आता है अगर हम एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो हमें मेटापोजिशन पे भी प्रोडक्ट मिलता है, उसका रीजन. ठीक है, उसके अलावा आपको करना है डिस्टिंग्विश टेस्ट. यहां डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स में हो सकता है, जिसमें हम हिंसबर्ग रिएजेंट लिखेंगे. यहां पे हमारे पास एरोमेटिक अमीन और एलिफेटिक अमीन्स में हो सकता है, जिसमें हम एजोडाई टेस्ट या कपलिंग रिएक्शन लिखेंगे. ठीक है, सो ये हमारा अमीन्स का हो गया. बच्चों इतना कर लीजिए, काफी है. उसके अलावा मैं लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में थोड़े से पॉइंट्स डाल देती हूं, जो आपको बोर्ड का पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है उसमें हेल्प करेगा. सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड यू विल स्कोर गुड गुड मार्क्स.